2023 में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हेल्ड होने वाले हैं और इसी को देखते हुए पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत जोरों शोरों से रैलियां करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान में। और ये चीज़ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को भाई नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए। जो इमरान खान का जमान पार्क में रेजिडेंस है वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई, लेकिन वहां पर ऑलरेडी इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर्स भी प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फोर्सेस और इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर्स के बीच में बहुत ही भयंकर क्लैश हुआ। और सोचो एंड में क्या हुआ होगा, आपको लग रहा होगा पाकिस्तानी फोर्सेस जीत गई होंगी, उनके पास तो वेपन्स वगैरह होंगे, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी फोर्सेस फेल हो गई अपने ही देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने में। जैसी ये चीज़ हुई ट्विटर पे एक बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती शुरू हो गई पाकिस्तान की कि आप अपने ही देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखना शुरू कर दिया कि इंडियन आर्मी को बुलाओ, वो खान को 2 मिनट में अरेस्ट करके बाहर ले आएगी। कुछ ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इंडियन आर्मी छोड़ो, आप यूपी के पुलिस को ले आओ, वो पूरे पाकिस्तान पर ओवरटेक कर लेगी। तो यार ये बहुत ही शर्म की बात थी। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।